मम्मी मैनी मैनी मैनी, इसने मेरे में से खाया और अपने में से नहीं दिया। आई एम बैक, मुझे दो पैकेट चाहिए अब। तो आ गए आप, कैसे हो भाई? भाई भाई भाई, पहले मुझे कह लें तो प्लीज। दोस्तों सिड टॉक से सिद्धार्थ भाई हमारी टेक्निकल दोस्त फैमिली से दो शब्द कहना चाहते हैं। सिद्धार्थ भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी टेक्निकल दोस्त फैमिली में, अब कह दो। तो आ गए आप, कैसे हो? घुमा फिरा के आई एम बैक। तो हितेश भाई, मुझे तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे बार बार कमेंट करते हैं टेक्निकल दोस्त के साथ कोलैब कर लो, टेक्निकल दोस्त के साथ कोलैब कर लो। आपको भी शायद ऐसे ही बोलते होंगे, सिट टॉक के साथ कोलैब कर लो। तो इन सबको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम दोनों कनेक्टेड हैं, बहुत ही जल्दी जब भी मिलेंगे कोलैबोरेशन जरूर करेंगे। और आपकी जो टेक्निकल दोस्त फैमिली है उसके अंदर आप जितने वीडियोस बनाते हो टेक्नोलॉजी को एंटरटेनमेंट तरीके से समझाते हो। और आजकल यूट्यूब पे क्या चलता है? एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। सो भाई, मेरी तो यही दुआ रहेगी कि मेरे 1 मिलियन के पहले आपके 1 मिलियन हो जाए। और जाते जाते अर्ज किया है, आंखों में नमी और विटामिन की कमी थी जिससे रात भर चैटिंग करी, वो तो गर्लफ्रेंड की मम्मी थी। सही है भाई, आपने तो मम्मी से ही मुझे ले लिए। खैर, थैंक यू सो मच भाई टेक्निकल दोस्त फैमिली में आने के लिए। और आपके 1 मिलियन हुए, हमारे 1 मिलियन हुए, एक ही बात है मेरे भाई। नहीं भाई, और मिलते हैं जल्दी मेरे भाई। सबसे पहला कमेंट है रोमांटिक स्टेटस जी का, पूछते हैं भाई गुरुजी और सागर के बीच फिर से महाभारत शुरू हो गई है, तुम्हारा क्या कहना है? भाई मेरा कहना ये है कि मुझे कुछ नहीं कहना है। पिछली बार का याद है, लोगों ने हट हट के गालियां दी थी, वीडियो डिलीट करने के बाद भी दूसरी वीडियोस पे जा जा के गालियां दी थी, लोग घर से निकल के गाली देके भाग जाते थे। भैया इन सब से तो मेरी नमस्ते है। गुरुजी टैग ज्ञान पूछते हैं, अरे हितेश भाई आपका नाम एक बंदे ने 5000 बार लिया, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे हाँ, एक भाई ने अपनी लाइव स्ट्रीम में 5000 बार मेरा नाम लिया। भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। मुझे पता है आप कितना प्यार करते हो, लेकिन ऐसे मत किया करो, आपकी तबीयत वबीयत खराब हो जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो, ये मत किया करो प्लीज़। विकास जी कहते हैं, हितेश भाई जी टीचर तो डिसिप्लिन में रहते हैं फिर भी आपके बाल इतने लंबे क्यों हैं? सही कह रहे हो भाई, लेकिन बच्चे इससे इंप्रेस रहते हैं। बल्कि इस पे बस मेरा इतना ही सोचना है कि लोगों को नई सोच को स्वीकार करना चाहिए, और कंपैरेटिवली बच्चे स्टाइलिश टीचर से ज्यादा इंप्रेस रहते हैं। टेक रिलोडर जी कहते हैं, भाई अगली वीडियो में कुंग फू कराटे करके दिखाओ। अरे भाई मेरे तो कराटे निकल के दिखे हैं। नैनो एलियन टेक्नोलॉजी कहते हैं, हितेश भाई एक बात बोलूं, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो ब्रो, मेरा कोई भाई नहीं है हितेश भाई। अरे यार मैं हूं तो सही, बल्कि सारी टेक्निकल दोस्त फैमिली है। और आज के बाद आपने ऐसा कहा ना कि आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, तो कट्टी हो जाएगी भैया हमारी आपकी। तन्मय जी कहते हैं, भाई जो लोग कहते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है यूट्यूब के लिए, उन्हें आपसे सीखना चाहिए। अरे थैंक यू तन्मय जी, इस पे तो मैं बस 2 लाइन कहना चाहूंगा कि जो बस रोते ही रहते हैं, करना कुछ नहीं है, जिंदगी झंड होती है ऐसो की। भैया आपको बता दूं, कामयाबी मोहताज नहीं है पैसों की। बॉलीवुड हिंदी वीडियोस दिखते हैं, ब्रो आई लाइक योर वीडियोस, थैंक यू, बट आई डिसलाइक योर वीडियोस। ये किस प्रकार का लाइक है भाई? अगला कमेंट है सचिन टोकस जी। हाँ जी मम्मी जी, एक मिनट। हाँ थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू, जीतती रहो बनी रहो, भगवान तुम्हारी उम्र लगाए। हाँ शेक पी लो, ज्यादा बड़ा नहीं होगी। सचिन टोकर्स लिखते हैं, भाई आप हंस हंस के वीडियो बनाओ, एक बार सेक्सी लगोगे बस भाभी एक बार। ये भाई के आते आते भाभी कहां से आ गई भाई बीच में? और हंस हंस के कैसे मतलब? हा हा हा, एयरटेल ने दिया आईपीएल का घटिया ऑफर, हा हा हा, चोर है धोखेबाज है, हा हा हा। थोड़ा ऑकवर्ड नहीं है? सोमन टेक एंड बिजनेस टिप्स कहते हैं, थिंक योर स्टूडेंट्स विल एंजॉय स्टडीइंग फ्रॉम यू एज यू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ सच अ नाइस मैनर व्हिच इज आल्सो फनी एंड इजी टू ग्रेस्प। थैंक यू सर, बल्कि वो कहते हैं, बल्कि उन्होंने ही मुझे बताया, उनको मेरे एग्जांपल्स बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े खुश होते हैं जब वो पढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ चीजें, ऐसी उनको बताता हूँ। थैंक यू सो मच। टेक्निकल सपना जी कहती हैं, आपकी स्मेल बहुत अच्छी है। हाँ वो तो है ही भैया, हमारे बदन की खुशबू की बात ही अलग है। लेकिन आपने अच्छा स्माइल कहना चाहते हो, तुसी भी बड़े मजाक किए हो। कालू गिरी दिखते हैं, भाई मैं नर्वस हो जाता हूँ बहुत जल्दी, क्या करूं? अरे भाई नर्वस होना तो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, लेकिन फिर भी जब आप नर्वस हो जाए करो, बस इतना कहा करो कि भैया मैं नहीं पड़ता किसी की राड़ में, दुनियादारी जाए भाड़ में, अपने डर की दीवार पूरी तरह तोड़ दो। अरे भैया सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चीजें भगवान पे भी छोड़ दो। डिगाता डेका जीतते हैं, भाई अपने बचपन की फोटो दिखाओ प्लीज।
ओके पूछते हैं हितेश भाई, आपने कभी मंदिर से चप्पल चुराई है? भाई मुझसे ऐसे सवाल मत पूछा करो, मेरे मुंह से सच निकल जाता है। हाँ एक बार चुराई थी यार, मेरी किसी और ने चुरा ली थी तो मैं किसी और की पहन के चल दिया। टेक्निकल दही लिखते हैं उल्लू। अरे भाई अपना नाम ही लिख दिया यहाँ पे, मतलब चलो अच्छा नाम है पर ऑकवर्ड नहीं लगता कोई बुलाता है। सुन उल्लू इधर आ। चलो भाई रख लिया तो रख लिया, आपकी मर्जी। पिंकी आर्या जी लिखते हैं हितेश जी रियली लाइक यू, मैं किसी कारण डिप्रेशन में थी और एक दिन आप मिल गए, सच थैंक यू सो मच सर जी, ऐसी वीडियो बनाते रहें। अरे ये तो अच्छी बात है यार, मेरी वीडियो से आपका डिप्रेशन चला गया। अरे लेकिन आप टेंशन वेंशन मत लिया करो, टेंशन केवल देने की चीज है लेने की नहीं है। MD मुस्तकिन जी कहते हैं भोजपुरी गाना सुनाओ। यार मैं आज अपने मन का गाना सुना लूं प्लीज। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 4 1 2 4। अरे तेरा माइक खराब है, 3 तो आई नहीं रहा इसमें। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। आगे क्या था? और अंतिम कमेंट है क्रेजी वाइंस का रैपिड फायर क्वेश्चन। ओए होए आने दो। मेट्रो और कार, मेट्रो। यूट्यूब और स्कूल, यूट्यूब। रेस्टोरेंट और भंडारा, भंडारा। एप्पल और सैमसंग, सैमसंग। वाइफ और गर्लफ्रेंड। एक मिनट आया, हाँ आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले संडे नए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, आप बहुत अच्छे हो लाइक करके जाते हो। और तब तक ध्यान रखें खुद का, अपनी फैमिली का और अपनी, आय हाय स्माइल तो देखो, अपनी गर्लफ्रेंड का। और गर्लफ्रेंड भी ध्यान रखें अपने बॉयफ्रेंड का। और भैया बात ऐसी है कि एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे कोई जहर तो नहीं है जिन्हें खा के मर जाऊंगा। तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए। तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए। ओ तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए। भाई छोटे छोटे बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं आजकल। एक क्लास में मैडम ने पूछा कि बच्चों बताओ सोच और वहम में क्या फर्क है, तो एक बच्चा खड़े होकर कहने लगा कि मैडम आप एक मस्त आइटम हो, ये हमारी सोच है और अभी हम बच्चे हैं, ये आपका वहम है। ओ साजन अभी हुई हूँ राजी, पहले शादी हो जाए। ओ तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए। ओ तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए।